हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह 10 बजे बाद का खाना बना रही थी मैं, और दिन था संडे और तारीख 10 तारीख था। तो आज के दिन और तारीख को तो कोई भूल ही नहीं सकता है, और आज मदर्स डे है। तो आप सबको मेरी तरफ़ से हैप्पी मदर्स डे। और मदर्स डे के दिन मैंने कुछ पुरानी यादगार पिक लगाए हैं, तो आप सबको अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। खाना वगैरह बनाने के बाद मैं यहाँ पे डुग्गू को नहला दी थी, और डुग्गू को नहला के फिर खाना मैं बना ली थी। दोपहर का दाल चावल और आलू परवल की भुजिया बनाई थी। तो डुग्गू यहाँ पे बोल रहा था कि मम्मी मैं भुजिया नहीं खाऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको नहला के फिर कपड़े पहना देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के टाइम हो रहा है, अभी 1 बज रहा है, और अभी खाना वगैरह मैंने सबको दे दिया है, बच्चों को खिला दिया है, और डुग्गू अभी खाना नहीं खाया है। डुग्गू अभी इसको नहला दी हूँ, तो ये गुस्से में है, ये खाना नहीं खा रहा है। तो अभी मैं इसको नहलाई हूँ, ये नहाने नहीं पहुँच रहा था, तो इसको मैं अभी नहलाई हूँ। और अभी आज खाने में मैंने सिंपल बनाए थे दाल चावल और आलू परवल की भुजिया। तो उसका आलू परवल की भुजिया बनाई थी, तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया और ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड की। और आप लोग बोल रहे थे ना डुग्गू के बिना ब्लॉग अधूरा है, तो ये डुग्गू अभी आ गया है। और ये जब भी आता है कैमरे के सामने, ये गुस्से में रहता है कभी तो कभी रोता हुआ रहता है, और इसी तरह से ये ऐसे ही करता है। तो अभी ये इसको मैं बाल चीर दी हूँ, और इसको बाल में कंघी लगा दी हूँ, पर इसको पसंद नहीं आ रहा है। ये अभी रो इसी वजह से गुस्सा है, बोल रहा है बाल सही से चिरो। तो इसका बाल पता नहीं कैसे ये बोलता है सही से चिरो सही से चिरो। तो इसको इधर से अगर चीर इधर से कर देती हूँ कंघी, तो उसमें भी नाराज होता है, इधर से भी कंघी कर देती हूँ तो नाराज हो जाता है। और आप लोग बोलते हैं ना खाली डुग्गू के साथ ब्लॉग करते हो, तो डुग्गू इसलिए ये थोड़ा ये नोटी है और ये शरारती भी है, इसी वजह से मैं और दोनों बच्चे का भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मेरी बेटी जो है वो पता नहीं वो वीडियो में आना ही नहीं चाहती है, और बेटा भी आ जाता है, बड़ा वाला बेटा। और मेरा बड़ा वाला बेटा का नाम जो है वो सचिन है, और इसका डुग्गू का नाम है आयुष, और मेरी बेटी का नाम है मनीषा, और मेरा नाम है संगीता। तो कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, तो किसी को लगता है कि मेरा नाम मनीषा है, तो मैं संगीता हूँ और मनीषा मेरी बेटी का नाम है। तो बस अभी मैं जा रही खाना खा लेती हूँ, तो बर्तन वगैरह फिर धोऊंगी, और शाम को भी तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। क्या हुआ तुमको हैं, गुस्से में क्या बोलो? हाय बोलो, हाय बोलो, नहीं बोलोगे? हाय बोलो ना एक बार, हाय। नहीं बोलेगा अभी हाय। तो बस मैं आप सबसे थोड़ा सा बात करने के बाद फिर खाना खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ और डुग्गू को भी खिला लेती हूँ। और बच्चे सब खा लिए थे, और दाल चावल आलू परवल की भुजिया। और ये क्लिप जो है ये शाम की है, डुग्गू जो है पतंग उड़ा रहा था।
और अभी हम लोग जो है छत से आ गए थे, बच्चों को भी ले आए थे। तो छत से आने के बाद मैं लग गई थी रात का डिनर बनाने में। तो डिनर में मैं बना रही हूँ चावल का आटा का, एक ये बंगाली डिश है तो वही मैं बना रही थी। और ये जो है चावल का आटा, तो इसको मैं पहले कढ़ाई में डाल के, इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी, तो इसको मैं भून लेती हूँ पहले, हल्का ब्राउन नहीं, बस इसको थोड़ा देर के लिए भूनूंगी, 4-5 मिनट के लिए। तो ये अभी मेरा भून चुका है चावल का आटा, तो इसको मैं पतीले में उतार के रख लेती हूँ, और इसको ना उतार के पहले ठंडा कर लूँगी। और मैं इसी कढ़ाई में पानी भी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसी पानी से फिर मैं इसका बैटर बनाऊंगी एक। तो पहले पानी को गर्म करके ठंडा कर लूँगी, और चावल का आटा जो है उसको भी मैं ठंडा कर लूँगी। और अभी ये हमारा पानी जो है गर्म हो चुका है, तो मैं इसको डाल देती हूँ चावल के आटे में, और थोड़े थोड़े करके मैं डालूँगी, और इसका मैं एक अच्छी से बैटर बना दूँगी, पूरा घोल लूँगी इसको, कहीं गांठ वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये अभी हमारा बैटर जो है बन गया है। तो अभी हमारा कढ़ाई भी गर्म हो चुका था, तो इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डालूँगी मैं, तो बस एक कटोरी में बैटर डाल देती हूँ कढ़ाई में, और एक बड़ा कटोरी जो है ऊपर से ढक देती हूँ। तो अभी ये बन गया है हमारा ये पीठा, तो इसमें बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहता है। तो फिर से मैं दिखा रही हूँ, और ये एक कटोरी डाल देती हूँ, एक बड़ा कटोरी में ढक देती हूँ, क्योंकि वो कटोरी जो है छोटा पड़ रहा था, इसी वजह से मैं ये बड़ा कटोरी ढक देती हूँ। और ये देखिए ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है किधर से भी। और अभी ये जो बन गया था हमारा पीठा, तो इसको थोड़ा सा वेटर बन गया था, तो ज़्यादा फिर ऐसा कोई खाता नहीं है, तो इसको मैं इसका चीला बना देती हूँ। थोड़ा सा और पानी में डाल दी थी गर्म पानी, और इसको पतला बना ली थी इस बैटर को, तो इसको मैं चीला जैसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए अभी आप देख सकते हैं ये बन चुका है, और ये हमारा चीला भी बन चुका था। तो मैं सबके लिए एक एक करके चीला भी बना ली थी। तो चीला और ये पीठा खाने के लिए मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी तुरई की सब्ज़ी, तुरई और चने की। तो पहले मैं तेल लेती हूँ थोड़ा सा, तेल में जीरा डाल देती हूँ, हींग डाल देती हूँ, और उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देती हूँ, पहले मैं लहसुन और मिर्ची को डालती हूँ, और ये सब थोड़ी देर भुनने के बाद फिर मैं बारीक कटा हुआ प्याज डालती हूँ, और प्याज को भी हल्के ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। तो प्याज मिर्ची लहसुन ये सब भुनने के बाद ये, और इसमें मैं अब टमाटर डाल देती हूँ। तो 2 टमाटर लिया था मैंने, तो 2 टमाटर को भी छोटे छोटे काट के, और उसको भी भून लेती हूँ अच्छी तरह से। और भूनने के बाद फिर मैं रूडिंग के जो मसाले हैं वो भी डाल देती हूँ, और डाल के अच्छी तरह से मैं भून लूँगी मसाले को। मसाले वगैरह भूनने के बाद मैं इसमें चना डाल देती हूँ। चने को मैं दोपहर में फूलने के लिए रख दी थी, तो चने को भी डाल के और भून लेती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद मैं तुरई को डाल देती हूँ, और तुरई को इसमें मैं तुरई चना और इसमें 2 आलू भी डाल देती हूँ, क्योंकि बिना आलू के बच्चे जो है सब्ज़ी खाते ही नहीं है, तो हर सब्ज़ी में मुझे आलू डालना ही पड़ता है। और अभी इन सब को मैं ढक ढक के ही पकाऊंगी, इसमें पानी बिल्कुल भी मैं नहीं डालूंगी। और
ये अभी देखिए कितना पानी इसमें छोड़ दिया है तुरई की सब्ज़ी में। तो इसी सब्ज़ी से ही आलू को और चने को गला लूँगी मैं। तो ये अभी देख सकते हैं इसमें और पानी है। और अभी और सब्ज़ी, ये जो है हमारी सब्ज़ी अभी बन चुकी है। ये हमारा आलू भी है, पक गया है, और चना भी है, वो भी पूरी तरह से पक गया है। तो बस अब ये हमारा सारा खाना बन चुका है और रात का खाना। तो ये देखिए हमारे रात के खाने में ये चीला है, चावल के आटे का चीला, और ये पीठा, और आलू तुरई, चने की सब्जी। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप सबको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।